जस्टिस शीन लागू को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आज मंगलवार को पंजाब राजभवन में शपथ दिलाई। इससे पहले जस्टिस नागू मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में तैनात थे। शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस मौके पर कई अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी उपस्थित दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल 27 दिसंबर को उनके नाम की सिफारिश करते हुए कहा था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनको 12 साल से अधिक के कार्यालय के दौरान मामलों में निपटान के माध्यम से न्यायपालिका में उनका योगदान है। उन्होंने 499 से अधिक निर्णय लिखे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में न्याय प्रदान में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उन्हें एक सक्षम न्यायाधीश माना जाता है और उनके पास उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और आचरण है जो एक उच्च न्याय अधिकारी के पद के लिए आवश्यक है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब हाई कोर्ट 31 न्यायाधीशों की कमी और 436,351 से अधिक लंबित मामलों से जूझ रहा है। हाई कोर्ट में वर्तमान में 85 स्वीकृति पदों के मुकाबले 54 न्यायाधीश हैं। इस वर्ष 3 न्यायाधीशों की आसन सेवानिवृत्ति और अगले वर्ष सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर 3 और न्यायाधीशों के साथ यह स्थिति और खराब होने की उम्मीद है।